Ma'am. Yes. I can do. Thank you. Thank you. Are you? Come on. Are you satisfied? Please, sooner you are ready. Maybe I'm done. Yes, sir. Yes. साथ में एक साथ जब सब आ जाएंगे तो हाँ एक साथ में तेरे लिए तो सोने लगे मैं यहाँ पे सर मैं यहाँ पे लुक सर थोड़ा हाँ यस यस done pass are ha ha mai mr patak niji chalo mai mr yahan pe pura body turn karo yes come sir थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग आए और इस बार का शो हमारा पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा रहा और बहुत ही अच्छा हम लोगों ने इसका स्टैंडर्ड मेंटेन किया. हम लोगों की हर साल की तरह दो कैटेगरीज थी इसमें 20 to 35 एंड 35 to 50. दोनों कैटेगरी में हमारे 5-5 विनर थे, एक गोल्ड कैटेगरी और एक प्लैटिनम कैटेगरी. गोल्ड कैटेगरी में हमारे पास प्रीति सिंह एंड प्रीति मीना, शमायुक्ता, सुचि, टीना एंड अप्सरा थे. और हमारी प्लैटिनम कैटेगरी में रूबी, अनीता, अरुंधति, श्वेता एंड संगीता विनर थे. तो ये बताइए कि कितना बूस्ट अपने डायरेक्ट सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करना एक इस तरह के बड़े इवेंट को कितना ज़्यादा. सर बस आपका ही सहयोग है, हम लोग तो बूस्टअप आप लोगों से ही होते हैं, आप लोग बूस्टअप कर रहे हैं और थैंक यू सो मच. आपने इतना बूस्टअप किया, हम लोगों को इतना आगे लेकर आए हैं, थैंक यू सो मच. आपने एक बार बॉम्बे में अपना एनुअल किया है फंक्शन, एक बार जयपुर में किया है, अब की बार पूना में किया, तीनों शहरों का अलग अलग कैसा अनुभव रहा है? सर सबसे अच्छा अनुभव मेरा पूना से ही रहा, बहुत अच्छा रिस्पांस था हम लोगों को वहाँ से. हमारे हर बार की तरह से जो 40 कंटेस्टेंट होते हैं, इस बार हम लोगों की कंटेस्टेंट की तादाद थोड़ी सी बढ़ गई थी. इस बार हम लोगों ने 51 कंटेस्टेंट ऑन फ्लोर लेकर आए थे और इसी के साथ साथ हम लोगों ने वुमन एम्पावरमेंट के साथ जिसके साथ हम चलते आ रहे हैं पिछले 2 साल से, और इस बार हम लोगों ने वुमन एम्पावरमेंट और डोमेस्टिक अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, उसके लिए हम लोगों ने पूना में एक रोड मार्च की थी जिसमें वहाँ की डिप्टी कमिश्नर उन लोगों ने हम लोगों को सपोर्ट किया और हम लोगों ने एक रोड साइलेंट रोड मार्च वहाँ पे करी. थैंक यू. थैंक यू. अब बॉम्बे जयपुर के बाद इस बार पूना में किया, आपने कैसा अनुभव रहा है? नमस्कार. पूना का अनुभव बहुत ही अच्छा था. पूना ने हमें बहुत साथ दिया हर चीज़ में. जैसे हमने एक वन वॉइस डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर एक मार्च किया था तो वहाँ की जो ट्रैफिक कमिश्नर थी उन्होंने हमारे को एड्रेस किया अपने ऑफिस में बुलाकर सारी कंटेस्टेंट को, और उनके वर्ड्स थे कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और आप लोग जितना जैसे जैसे करते जाएंगे हम लोग आपके साथ हैं. आपको इस बार के जो कंटेस्टेंट्स आए थे, क्योंकि हर बार नए होते हैं डेफिनेटली, इस बार कंटेस्टेंट में से कौन सा मतलब आपको कैसे लगे, वो पहले से और बेहतर थे या ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी? नहीं, पहले से बेहतर तो नहीं कह सकते, सबका अपना अपना एक कैलिबर होता है. तो इस बार जो आए थे वो ऑलरेडी उनको पता था कि वो एक ब्यूटी पैजेंट में जा रहे हैं, उनको क्या क्या करना है, तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होकर आए थे. तो इस बार कंपटीशन इतना टफ था कि जजेस को भी टॉप 5 निकालने में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई. आपके जजेस कौन कौन थे उनके बारे में जी? हमारे जजेस कुणाल कपूर जो बॉलीवुड एक्टर हैं, रुमाना सिन्हा सहकल, सुरेंद्र पाल सिंह, पंकज बेरी, स्मृति खन्ना एंड राकेश अग्रवाल जी एंड पवन कौशिक जी. लास्ट क्वेश्चन, आप तमाम शादीशुदा महिलाओं को प्रोत्साहन देती रहती, कब आप अपने अपने साथी को शादी करा के उनकी पत्नी को भी आप प्रोत्साहन देने वाली हैं? वो तो हमारे पार्टनर के ऊपर ही है, वो कब शादी करते हैं सर? आप करा दीजिए. थैंक यू. सोच रहा हूँ बुलाने के लिए किसी को. थैंक यू सो मच.